शहर के दो व्यापारियों की कोंढाली के एक फार्म हाउस में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद उनकी लाशों को पेट्रोल से जलाकर वर्धा नदी में ले जाकर फेंक दिया। मृतकों में नरकेसरी लेआउट जयप्रकाश नगर निवासी अंबरीश देवदत्त गोले और प्रसाद अपार्टमेंट एचबी टाउन निवासी निराला कुमार जयप्रकाश सिंह का समावेश है। अंबरीश का शव तलेगांव पुलिस को मिल चुका है, जबकि निराला की लाश खोजने में प्रशासन जुटा हुआ है। अंबरीश सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, जबकि निराला होलसेल कपड़ों का व्यवसाय करते थे। पकड़े गए आरोपियों में ओंकार तलमले, लकी तुर्केल, हर्ष वर्मा, दानिश दुर्गा प्रसाद शिवपेट और हर्ष सौदागर बागड़े का समावेश है। शहर के सीताबर्डी और सोनेगांव थाने में दोनों के लापता होने का मामला दर्ज था। मामले की जांच के दौरान यह घटना सामने आई। आरोपियों ने व्यापारियों को 1.5 करोड़ रुपया देने के बदले में 2.8 करोड़ रुपए कैश देने का झांसा दिया था। संभावना तो है, बट क्योंकि बारिश का सीजन है एंड बॉडीज को नदी में डंप कर दिया गया है, नदी में भी पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा है, तो बॉडी का मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट पुलिस हम अपनी तरफ से जो है इतर जिले के जहाँ से ये नदी बहेगी तो संबंधित थानेदारों को और लोकल पुलिस के यूनिट्स को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, उसके हिसाब से बॉडी की जो है शोध चालू है। एंड आई एम पॉजिटिव कि अगर थोड़ा डिले भी हो गया बट इवेंचुअली हमको सेकेंड बॉडी भी मिल जाएगी। नागपुर सिटी में 2 मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुए थे, जिसके तपास नागपुर सिटी के टीम्स कर रहे थे, तो उनको इनिशियल ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें कि ये पता चला कि 2 जो विक्टिम्स जिनका जो जिनके खिलाफ में यानी जिनका मिसिंग कंप्लेंट दाखिल है, उनको मर्डर किया गया है। एंड मर्डर का जो घटना जहाँ पे हुआ घटनास्थल, वो हमारे कोंडाली पुलिस स्टेशन के एक फार्म हाउस में है। सिटी वालों ने फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने पे फिर अक्यूज्ड जो है उनको भी पूरा वेरीफाई किया एंड फाइनली फिर उनको जो है हमारे ताबे में दिया है। हमने अपनी तरफ से फिर संबंधित FIR वगैरह दाखिल किया है कोंडाली पुलिस स्टेशन के अंडर में। तो बेसिकली अभी तक जितना पुरावा हमारे पास है, जितना हमको इंफॉर्मेशन फाइनली ये हुआ है कि 2 विक्टिम थे, निराला सिंह और अमरेश गोले करके, ये नागपुर शहर के रहने वाले हैं। इनका संपर्क जो है एक्यूज्ड नंबर 1 के माध्यम से मेन कॉन्स्पिरेटर जो एक्यूज्ड नंबर 2 है उनका संपर्क हुआ था। और ये जो मेन आरोपी है एक्यूज्ड नंबर 2, इसने षड्यंत्र रचा था पैसों के लेन देन वगैरह इसका भरोसा दिला के विक्टिम से जो है लगभग 1.5 करोड़ का DD वगैरह जब्त करके फिर उनको जान से मार देने का। एंड उसी हिसाब से फिर उन्होंने विक्टिम्स को जो है फार्म हाउस में लेके गए, जो हमारे कोंडाली पुलिस स्टेशन के हद्दी में पड़ता है। फिर वहाँ दोनों विक्टिम्स को जो है गोली से मार के उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में इनका इनिशियल प्लान था कि बॉडीज़ को जला के फिर डिस्पोज करने का, बट क्योंकि उस रात को 25th की घटना है ये, और 25th के रात में बारिश होने की वजह से बॉडीज़ को पूरी तरह जलाया नहीं जा पाया, तो इस वजह से उन्होंने फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके वर्धा नदी में जो है डंप कर दिया गया था। तो इस पूरे केस में अभी तक 6 आरोपी निष्पन्न हो गए हैं, सभी को जो है हमने अटक भी कर लिया है, आगे का तपास चालू है। 6 आरोपियों के अलावा इतर आरोपी हैं क्या, इसका भी हम शोध कर रहे हैं। साथ में जो प्राइमा फेसी मोटिव हमारे सामने आया है कि विक्टिम्स के साथ में फ्रॉड करके उनके पैसे लेके उनको मर्डर करने के अलावा भी एक आधा कोई और रीज़न है क्या इनको मर्डर करने का, ये भी हम चौकसी वगैरह कर रहे हैं। बता दें कि लकी तुर्केल के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज है। उसके पिता संजय तुर्केल का कोंढाली में फार्म हाउस है। निराला और अंबरीश अच्छे दोस्त थे। कुछ दिन पहले दोनों ओंकार तलमले के संपर्क में आए। ओंकार के
परिवार का एंटीक आर्ट बनाने का कारखाना है। उसने निराला को बताया कि वह अपने कच्चे पैसे को पक्का करना चाहता है। यदि वे उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का डीडी देंगे तो इसके बदले में उन्हें 2,80,000 रुपए कैश मिलेगी। निराला और अम्बरीश ने सोचा कि व्यावसायिक लेन देन में पैसा खप जाएगा। दोनों तब इस लेन देन के लिए तैयार हो गए। मंगलवार की दोपहर दोनों सिविल लाइन स्थित चिटनवीस सेंटर के एक कैफे हाउस में पहुंचे। कुछ ही देर बाद ओंकार अपने एक साथी के साथ वहां आ गए। चारों कार में सवार होकर कोंडाली स्थित तुरकेल के फार्म हाउस में चले गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पहले पूरी प्लानिंग कर रखी थी। निराला और अम्बरीश से 1.5 करोड़ रुपए की डीडी लेने के बाद आरोपियों ने दोनों को गोली मार दी। बताया जाता है कि करीब 10 राउंड फायर किए गए। फ्रैंकली बॉडीज क्योंकि नदी में फेंकी गई थी, 25th की लेट नाइट की घटना है एंड 26th को सिटी में मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुए थे एंड सिटी में फिर नागपुर सिटी की पुलिस के वेरियस टीम्स उन्होंने ये मिसिंग कंप्लेंट के ऊपर में वर्कआउट करना चालू किया। उनके गोपनीय सोर्सेस से उनको पता चला कि मिसिंग मामला थोड़ा गंभीर है, शायद ये मर्डर का भी मामला हो सकता है, ऐसा उनको गोपनीय माहिती मिली थी। उसके हिसाब से फिर लास्ट सीन के थियरी के हिसाब से जो विक्टिम्स है वो लास्टली किसके साथ में थे, क्या था व्यवहार वगैरह, वो वेरीफाई करने पे फिर जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके बारे में पता चला, फिर उनको उन्होंने ताबे में लेके फिर वेरीफाई किया। फिर वेरीफाई करने पे इतर आरोपियों का भी रोल जो है सामने आया था, तो उसके बाद में फिर क्राइम क्या हुआ वगैरह 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 उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। एक आरोपी है, आरोपी के खिलाफ में गंभीर गुनाह दाखिल है ऐसा वेरीफाई हो रहा है। एक तो डेकॉइटी का और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत में 325 का भी सेक्शन उनके खिलाफ में दाखिल है ऐसा पता चला है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली हम उनके खिलाफ में प्रिवेंटिव कार्रवाई की तरफ से आगे का भी हम प्लान करेंगे। दोनों की हत्या करने के बाद आरोपियों ने अपनी कार से पेट्रोल निकाला और फार्म हाउस परिसर में दोनों पर पेट्रोल डालकर जला दिया। हालांकि इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद अजली लाशों को रैप कर कार में डालकर तलेगांव परिसर में ले जाया गया। वहां पर आरोपियों ने वर्धा नदी के पुल से शव को नीचे फेंक दिए। वही अम्बरीश और निराला के गायब होने से परिजन चिंतित थे। दोनों के फोन बंद थे। निराला के परिजनों की उनसे आखिरी बार बात तब हुई जब वे चिटनवीस सेंटर में थे, इसलिए उनके परिवार वालों ने सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में, जबकि अम्बरीश के परिजनों ने सोनेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सीताबर्डी पुलिस को जांच के दौरान निराला और ओंकार से बात होने की जानकारी मिली। ओंकार पुणे में होने की बात पता चली। नहीं, अभी तक तो प्राइमा फेसी क्रिकेट या किसी और भी तरीके के गैम्बलिंग का ऐसा कुछ रोल नहीं लग रहा है। प्रिलिमिनरी जो हमको पता चल रहा है कि इट वाज अ केस ऑफ फ्रॉड, यानी आरोपी जो मेन आरोपी है वो दोनों विक्टिम्स को फ्रॉड करके फिर उनसे पैसे लेके फिर एविडेंस नष्ट करने के उद्देश्य से उनका मर्डर किया गया था बाकी को एक्यूज्ड के साथ में, और को एक्यूज्ड को पता था और उनको इस पूरे मामले में जो पैसा मिलने वाला है उसका शेयर मिलने वाला था उनको। डीडी 1.5 करोड़ का डीडी जो है इन लोगों ने हड़पा है विक्टिम से, ऐसा पता चला है। डीडी के भी डिटेल्स हम वेरीफाई कर रहे हैं। संबंधित बैंक को मनी भी अकाउंट में फ्रीज करने के लिए हम लेटर भी इशू कर दिए हैं आईओ के तरफ से, क्योंकि वो मनी गलत हाथों में ना पड़े, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम मनी एस्पेक्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको लेके भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बाद में एक एक कर सीताबर्डी पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपी ही पुलिस को तलेगांव परिसर में ले गए। तलेगांव पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अम्बरीश का शव खोज निकाला, लेकिन निराला का शव नहीं मिला है। इस मामले में और भी आरोपियों की बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों के शव को नदी में फेंकने के बाद आरोपी नागपुर वापस आ गए। ओंकार ने निराला द्वारा दी गई डीडी अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में जमा करवा दी और सीधे पुणे भाग गया।
ओंकार ने काफी पैसा अय्याशी और जुआ में उड़ा दिया। इस वजह से उस पर काफी कर्ज चढ़ गया था। उसी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। कोंडाली पुलिस ने हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया है। सीताबर्डी पुलिस ने सभी आरोपियों को कोंडाली पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में आगे की जाँच अब कोंडाली पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर।